ऑडिटोरियम में इस टाइम। ये लैब है, पता नहीं किसकी क्या सिस्टम है हमें, पर हमारे कोई काम की चीज़ ना तो हम चल रहे हैं बाहर। यहाँ पे सामने वाली क्लास में देखेंगे, कोई ना हुआ तो वहाँ बैठेंगे जाकर। ये क्लास है, अब यहाँ पे लगेगी हमारी क्लास, देखते हैं फुल। पीछे तो यहाँ से ऐसा है, आज की क्लास खाली है, आना जल्दी बुला ले, तुम चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। और आज तो फिर हम GDB में काम आए, पार्किंग में बाइक खड़ी कर दिया, तो भी चलते हैं आज के लिए हैं। वो पहले पहुँच आज क्लास में, कल की तरह ही रोल है हमारा आज भी, आज देखते हैं क्या प्रोसेस रहता है। अभी तो एडमिशन तो हुआ नहीं है, पूरा प्रोसेस थोड़ा बचा हुआ है, फिर भी क्लास ले रहे हैं, चलते हैं आज फिर दोबारा। मौसम हो रहा है बढ़िया, बारिश का सा, हवा चल रही है तगड़ी, अभी मिलते हैं क्लास में जाने के बाद। बिल्डिंग है हमारी क्लास की, तो अभी चलना है इसमें, लिफ्ट अभी है नहीं, जब तक कार्ड नहीं बनेगा जब तक हमारी लिफ्ट। कार्ड बनवाना कंपलसरी है, तभी फ़ायदा उठा सकते हो यूनिवर्सिटी के लिफ्टों का। खाली लग रही है आज तो, क्लास चालू है पर हम बिना एडमिशन जाकर क्लास करना जाएंगे। क्लास भरी पड़ी है इसमें, बच्चे बच्चे हैं, भीड़ से ज़्यादा है ना, तो अभी यार बिल्डिंग में भी काम ही चल रहा है यार, मैंने पता चल रहा है। नहीं MBA में ही है भाई, फिर तो मज़ा आएगा भाई, व्यू देखो सामने, देखो भाई यूनिवर्सिटी में मज़ा ये चीज़ का है, यहाँ ये टोकटा टुकटा करते दिखे हैं, ये अलग ही सिस्टम बना रखा है नीचे, देखो वाओ। आज की क्लास खाली है, आना जल्दी बुला ले, तुम चलते हैं वॉशरूम। क्लास में पहले दिन बच्चों की हो रही है, रजिस्ट्रेशन के लिए ले गए थे क्लास में, तो अभी हमारा एडमिशन ना हो तो रजिस्ट्रेशन कहाँ आ जाएगा, एकदम बन रही है कैडी, तो अभी चलते हैं क्लास में, ऑडिटोरियम में वहाँ पर हमारी क्लास लगेंगे, देखते हैं किस चीज़ की क्लास है। मेरे पास तो अभी कोई डॉक्यूमेंट आए ही हैं ना, कोई नोटिफिकेशन आते हैं कौन सी क्लास है कौन सी ना, यही भाई बताया मेरे को, तो अभी चलते हैं ऑडिटोरियम में, देखें क्या सीन है ऑडिटोरियम में इस टाइम। मैं ऑडिटोरियम में सीट ही नहीं दी, नहीं दी सीट नहीं मिली यार हमको ऑडिटोरियम में, बाहर आ गए अब दो घंटे, यही थी आज, अब घर चलो, एक क्लास लगी है अब दो घंटे की तीन घंटे की ऑडिटोरियम। सीन बढ़िया था वैसे, मूवी दिखा रही हो ना ऐसी सीट ही, पता ही मजा आ गया, तो अभी पहले कुछ देख लेते हैं सीन करने जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी, बालक पढ़ा गए हम, एक टीचर यू है अभी करेंगे, कहाँ दिया देख भाई, सेल्फ स्टडी करनी यार, देख वो ग्राउंड में क्या करो, देख ले कहीं जगह पावे तो गैल चलो जाएगा रहो, हम बुलाए करे अच्छा भाई आ जा, स्टार्ट करो भाई पहली यूनिट पढ़ाओ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मक्खी की तरह भिनकते डोले हैं बालक, काले पीले साउथ इंडियन नाइजीरिया वाले सारे हैं यहाँ, कंजेशन कंट्रोल वाले तो मिलते हैं, मौसम हो रहा कैडो, और यहाँ पीछे इनके फोटोग्राफर फोटो ऐसे ही चलते हैं, पर हमारी चल रही है पढ़ाई, पढ़ा भाई पढ़ा, पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, चलो हम तो सारे तक बालक हैं यार। ये GDB इनके के टीला पे बैठे रहते हैं साउथ इंडियन, ये इनके बैठने की टीला, ये इनका है, ये बिल्डिंग है, और अभी हम जाना है इस वाली बिल्डिंग में, क्यों एडमिशन का प्रोसेस पता कर लेते हैं दोबारा, जो कल रह गया था वो कंप्लीट करके आना है इस बिल्डिंग में जाके। ये पूरा एडमिशन ब्लॉक है, इस बिल्डिंग में जाके देखते हैं इसमें है क्या, अब तक तो गई नहीं है, ये पार्क है दोनों साइड,
कौन सी साइड? और वो स्कूल है जीडीओइंग का। अरे इसमें वही तो क्या वो दूसरी में है, इसमें चल रही है। यहाँ पे ये पार्किंग है, एक उधर की साइड पार्किंग थी और ये पीछे तक पार्किंग है, और कॉलेज के पीछे पार्किंग है। और अभी चल रहे हैं इस बिल्डिंग में, देखते हैं क्या सीन है इस बिल्डिंग का। बिल्डिंग दिखे जिसमें जाने के बोल रहे थे, इसलिए एडमिशन ब्लॉक है, इसमें कंप्लेन वम्प्लेन करने के लिए जा सकते हैं। मना कर रहे हैं वो, ये बोल रहे हैं कंप्लेन है कोई, मुझे कंप्लेन तो है, ये बोल रहे हैं अर्जी डालनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है चलते हैं अभी और कहीं देखें यूनिवर्सिटी में कहाँ का चीज़ है। इधर चल रहे हैं एक बार, इधर चलेंगे क्या सीन होगा साइड, बालक वॉलीबॉल से खेल रहे। ये लैब है, पता नहीं किसके क्या सिस्टम है हमें, पर हमारे कोई काम की चीज़ ना, तो हम चल रहे हैं बाहर। यहाँ पे सामने वाली क्लास में देखेंगे, कोई ना हुआ तो वहाँ बैठेंगे जाकर। ये क्लास है, अब यहाँ पे लगेगी हमारी क्लास, देखते हैं फुल पीछे तो अभी यहाँ से ऐसा है। क्लास काफ़ी लेट लगे हैं, 50-60 मिनट को गैप रहा है क्लास में, तो अभी देखा कितनी देर को ओरिएंटेशन ख़त्म ही ना हुई। ओरिएंटेशन ख़त्म हो जाता फिर हम जाएं घर को अपने। कंप्लीट हो चुका है भाई, यार भी ना भेजे भेज भाई, घर जाके पहले बात कर लियो, ठीक है भेजने से पहले भी। अच्छा तो अभी चलते हैं घर, डॉक्यूमेंट थोड़े से रह रहे हैं वो भेज देंगे। तो पहले तो बाइक ही ढूंढनी पड़ेगी, लंबी लाइन लगी रहे हैं, आप बाइक की दिखा दो। एजेंसी में खड़ी हूँ, अब यहाँ से पहले बाइक ढूंढो। तेरे तो ये खड़ी दिख रहे कहाँ, चल मैं ढूंढू अपनी, मेरी कहाँ पे मिल चुकी है। और सामने से यूनिवर्सिटी का व्यू, इतने घर जाके डॉक्यूमेंट्स, तो अभी चल रहे हैं घर, और जैसा भी जो भी सीन होगा आगे का दिखाएंगे, बता दूंगा। प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, घर जाके बताऊंगा सारी चीज़। तो अभी पहले चल रहे हैं घर, पार्किंग में अभी घर पे आ चुके हैं यूनिवर्सिटी से, और काफ़ी टाइम हो गया आए हुए भी। तो यूनिवर्सिटी का वो था कि जो अब प्लेसमेंट की जो भी बात थी, जो जीडीओइंग की यूनिवर्सिटी है उसमें सनस्टोन का भी टायर अब है, तो आप सनस्टोन से करते हो, सनस्टोन की ये है कि आपको 4 लाख का पैकेज लग जाएगा, 100% नहीं है वो भी, और हाईएस्ट पैकेज उनका 12.5 लाख का हाईएस्ट पैकेज था सनस्टोन का एमसीए का, उन्होंने बताया था। इसी साल एमसीआई है जीडीओइंग का में सनस्टोन के थ्रू, सनस्टोन से पहले भी थी, बट जो सनस्टोन से पहले थी जो नॉर्मल एमसीए जो जीडीओइंग खुद करवाता है उसकी है जो प्लेसमेंट है वो ज़्यादा नहीं है, 10-12 कंपनियाँ ही आती हैं मुश्किल से, और उसमें भी हर किसी की प्लेसमेंट नहीं होती। तो प्लेसमेंट कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो अभी सनस्टोन से आई है, फर्स्ट टाइम है सनस्टोन का इसमें एमसीए के लिए, तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी मेरा प्रोसेस चल रहा है एडमिशन का, मेरा थोड़ा रिजल्ट लेट था तो इस वजह से मेरे को इसमें लेना पड़ रहा है, नहीं तो मैं बाहर लेता है एडमिशन। तो अभी भी शायद रिजल्ट पे टाइम से पहले आ जाए तो मैं बाहर ही लूँगा, तो अभी देख लेते हैं। तो आज के ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सारे बाय, सेफ रहना, और आपको जैसे भी वीडियो लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों में शेयर करना।